केवलेंट सॉफ्टवेयर, इन्होंने क्या किया, 8-8 एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप किया, और किस पे ग्रुप किया, म्यूजिकल नोट्स पे, उसको नाम क्या दिया, न्यूलॉन्च ऑक्टेव, उसको लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला म्यूजिकल ट्रेंड्स को, और इनका जो फुल नाम था वो था जॉन न्यूलॉन्च, और ये 1866 में इन्होंने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया फॉर अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। अभी भी एटॉमिक नंबर नहीं है, एटॉमिक मास ही है, आपको याद रखना है। और कौन सा म्यूजिकल नोट था आप जानते होंगे, शा रे गा मा, यहाँ पर दे रखा शा रे गा मा पा दा नी, फिर शा अप करोगे तो यहाँ पे फिर वापस आ जाओगे, शा रे गा मा पा दा नी शा, फिर वापस आ जाओगे यहाँ से इस तरीके से। तो इन्होंने अरेंज किया, तो देख सकते हो हाइड्रोजन इन्होंने अरेंज किया, हाइड्रोजन लिथियम ब्रेलियम ब्रोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम अल्मोनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन पोटेशियम कैल्शियम क्रोमियम टिटेनियम मैग्नीज आयरन ब्रोमियम सॉरी यहाँ पे कोबाल्ट निकल को एक साथ रखा है, कॉपर जिंक यूटेरियम इंडियम ऑस्ट्रियम सीलियम ब्रोमियम रुबिडियम, इस तरीके से इन्होंने अरेंज किया जिरकोनियम तक मेटल्स एलिमेंट्स को, मतलब मेटल्स नॉन मेटल्स सबको। अब ये बता रखा है आर दे आर फेमिलियर विद म्यूजिकल नोट्स, मतलब आर यूर म्यूजिकल नोट्स से आप फेमिलियर हो तो आपको पता है सारे गामा पादा निशा आप पढ़ते होगे, यहाँ पे वही बता रखा है डो रे निशा सो लापा, ये सब बता रखा है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये 2-3 बुलेट पॉइंट्स हैं, इसको आप पढ़ लो। इट वॉज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट फर्स्ट, मतलब इन्होंने ये दिया था कि पहले वाला जैसा एवरी 8th एलिमेंट जो है प्रॉपर्टी करता है, मतलब एक जैसा उसकी प्रॉपर्टी है, फिर सेकेंड उसके नीचे वाला जैसा नीचे उसके नीचे वाला फर्स्ट वाला जैसा उसी तरीके से, तो लेकिन ये लॉ जो है न्यूलेंस लॉ ऑफ ऑक्टेव जो, तो ये कैल्शियम तक ही फिट बैठता है। जो सेकेंड पॉइंट हमारे पास है, इट वॉज अज्यूम बाई न्यूलेंस दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन द नेचर, नो मोर एलिमेंट शुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर बट लेटर ऑन सेवरल एलिमेंट्स, इसकी मतलब डेमेरिट्स है लॉ ऑफ ऑक्टेव की, न्यूलेंस लॉ ऑफ ऑक्टेव की, कि उन्होंने कंसिडर किया कि टोटल 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर पे, उसके बाद कोई भी एलिमेंट डिस्कवर ना होगा न मिलेगा, मतलब कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिलेगा, ये इसकी एक डिमेरिट है जो आगे पढ़ेंगे उसमें उन्होंने कंसिडर किया है कि और मिल सकते हैं एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टीज डू नॉट फिट विद द लॉ ऑफ ऑक्टेव। द थर्ड बुलेट पॉइंट है, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इन टू हिज टेबल न्यूलैंड एडजस्टेड टू एलिमेंट इन द सेम स्लॉट, जैसे आपने देखा था कि दो एलिमेंट्स एक स्लॉट में थे, यहाँ पे जैसे कोबाल्ट और निकेल और यहाँ पे सीजियम और लैंथियम, एले से कुछ होता होगा लैंथियम, मैं देख के बताऊँगा, जैसे यहाँ पे दे भी रखा है एग्जांपल्स में, विच रिजेंबल्स कोबाल्ट निकल प्रॉपर्टीज हैज़ बीन प्लेस्ड फार अवे, मतलब कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी अलग अलग हैं फिर भी एक ही जगह पे इनको रखना पड़ा है, एडजस्ट करना पड़ा है। विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस द लॉ ऑफ ऑक्टेव बिकम इरेलीवेंट, मतलब जब हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ीनॉन रेडॉन का डिस्कवर हुआ तो लॉ ऑफ ऑक्टेव इसको मतलब ये यूज़ नहीं हो पाया।